हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का एक नया चैप्टर। यहाँ पे आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और प्रीवियस हम सेशन की बात करें तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 कवर अप किया और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि घन तथा घनाभ। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्मूलों की तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरे के पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, फॉर्मूलों का मैं यूज जरूर करूंगा, बताऊंगा भी, लेकिन बिलीव करिए इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप फॉर्मूले से क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे जरूर, लेकिन वो डिराइव कैसे हुए उसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि हम लोग पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे आपको कोई भी एक फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्यूब के बारे में। तो अगर मैं बात करूं क्यूब की तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यूब से रिलेटेड यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं क्यूब की बात करूं तो यहां पे हम लोग कुछ क्यूब की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये क्या होता है, आपका एक थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। क्यूब क्या होता है, एक आपका थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। और अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरफेस यानी कि सतहों या फिर फलकों की संख्या, सतह या फिर इसको फलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर, सरफेस कितने होते हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एजेस, एजेस या फिर किनारे। क्लियर, और एट लास्ट हम बात करेंगे कॉर्नर्स या फिर कोने। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अगर सरफेस की सतह कितनी होती है तो क्यूब में सरफेसेस की संख्या कितनी होती है, 6। यानी कि कौन कौन सी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, यानी कि यहाँ पे आपको सतहों की संख्या कितनी मिलेगी, फलकों की संख्या कितनी मिलेगी, तो यह मिल जाएगी 6। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एजेस की तो आइए हम यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे एजेस आपको कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एजेस की, एजेस का मतलब ये जो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, तो 4 तो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 4 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं, और 4 ये पिलर जो हो गए ये क्या हो गए, आपके एजेस हो गए। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे एजेस की तो एजेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 12 यानी कि 12। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोनों की यानी कि कॉर्नर्स की तो कॉर्नर्स आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 कॉर्नर्स ऊपर हो गए और साथ ही साथ 1, 2, 3 और 4, 4 कोने कहाँ मिल गए आपको, नीचे मिल गए। यानी कि अगर हम बात करें कॉर्नर्स की संख्या या फिर कोनों की संख्या की तो कोनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, तो कोनों की संख्या हो जाएगी 8। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्यों आपको ये नोट कर लेना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी बातें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, जिससे आप क्या कर सकेंगे, आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा और आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकेंगे। क्लियर, तो इतनी बातें आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक बड़ा क्यूब दिया गया होगा और आपको क्या करना होगा, उसे काट के छोटे छोटे क्यूब्स में परिवर्तित करना होगा। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, बड़े घन को काट के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ मैं 2 तरीके के क्वेश्चंस ले रहा हूं। एक तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक 3x3x3 के बड़े घन को हम क्या करते हैं, काट के 1:1:1 के
छोटे घनों में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक 4:4:4 के बड़े घन को 1:1:1 के हम क्या करते हैं, छोटे घनों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक साथ डिस्कशन करेंगे। और अगर बात करूं मैं क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन की, जो कि क्या होने वाला है, नंबर ऑफ कट्स। यानी कि कितनी बार चाकू चलाएंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि छोटे घनों की कुल संख्या। पहले हम इन दो बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम क्या करेंगे, बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं n की वैल्यू। और n की वैल्यू क्या होती है, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा यानी कि एज डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, क्लियर, जिसको हमने किनारे लिखे हैं वो क्या है आपकी भुजा। तो बड़े घन की भुजा जब हम बात करें 3:3:3 के क्यूब की या घन की, तो यहाँ पे बड़े घन की भुजा की अगर हम बात करें, यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 3। और अगर हम बात करें छोटे घन की भुजा की, तो वो कितनी हो गई, 1, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस वाली वैल्यू के लिए। इन द सेम वे अगर हम बात करें इस वाली वैल्यू के लिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो इस वाली वैल्यू के लिए n बराबर हो जाएगा आपका 4, क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक 3 सेंटीमीटर की क्या है, कोई लाइन है, और हमें क्या करना है, इसे एक एक सेंटीमीटर के 3 भागों में डिवाइड करना है। यानी कि 3 सेंटीमीटर की लाइन को हमें एक एक सेंटीमीटर की 3 भागों में विभाजित करना है। तो ये बताइए हम चाकू कितनी बार चलाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 और 2 बार हमने क्या किया, इसको कट किया, और ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी कि जब हमें इसे 3 भागों में बांटना हुआ, तो हमने चाकू कितनी बार चलाया, तो हमने चाकू चलाया 2 बार। इन द सेम वे यहां पे अगर मैं बात करूं, 1, 2, इस प्रकार से हम 2 बार चाकू चलाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये 3 भागों में विभाजित हो गया। लेकिन क्या ये अभी छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हुआ है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं छोटे छोटे घनों में अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमें यहाँ पे फिर से चाकू चलाना पड़ेगा। अब हमने 2 और बार चाकू चलाया, तो क्या ये छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हो गया, तो आप देखेंगे अभी भी ये छोटे छोटे घनों में परिवर्तित नहीं हुआ है। और फिर हम बात करें, तो हमें इस प्रकार से 2 और बार चाकू चलाना पड़ेगा, और अब आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये क्या हो चुका है, छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हो चुका है। तो ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे चाकू कितनी बार चलाना है, इसकी जब हम बात करते हैं, तो देखिए 1 बार हमें इसे 3 भागों में विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बार चाकू चलाना पड़ता है। अगर हम 2 को यहाँ पे n माइनस 1 कंसीडर करें, तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3। और अगर हम बात करें चाकू कितनी बार चला रहे हैं, तो n माइनस 1 टाइम्स हम चाकू चला रहे हैं। और इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोहराते हैं, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम देखिए n माइनस, सबसे पहले तो हमने बात करी n माइनस 1 टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स हमने चाकू चलाया, और इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोहराएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे 3 बार। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कट्स की अगर मैं बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितना हो जाएगा, n माइनस 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। यानी कि जब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कट्स की, तो इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा,
चलिए टोटल नंबर ऑफ कट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 एन माइनस 1। क्लियर, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कट्स। इसी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे जब 4:4 के बड़े घन को क्या करेंगे 1:1 के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे, तो यहां पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे हम बात करेगा टोटल नंबर ऑफ कट्स की, तो हमने क्या किया एन माइनस 1 टाइम्स, ध्यान दीजिए सबसे पहले एन माइनस 1 टाइम्स यानी कि 3 बार जब इस पे चाकू चलाया तो ये 4 भागों में विभाजित हो गया, और इस प्रक्रिया को हमें कितनी बार दोहराना था, तो इस प्रक्रिया को हमें 3 बार दोहराना था, यानी कि इस वाले के लिए अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कट्स की तो कितने हो जाएंगे 9, और इस वाले के लिए अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कट्स की तो कितने हो जाएंगे 6। ये तो हो गई बात किसकी, टोटल नंबर ऑफ कट्स की। अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक लेयर में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की, तो अगर हम इस लेयर में बात करें इस लेयर में कितने घन हैं, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस लेयर में घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, एक लेयर में घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की तो कितना हो जाएगा 27। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 27। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला एन का क्यूब, एन का क्यूब हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। इन द सेम वे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो आपको एक लेयर में कितने ऐसे छोटे क्यूब दिखाई दे रहे हैं, तो एक लेयर में आपको छोटे घनों की संख्या मिल रही है कितनी 16, और ऐसे कितने लेयर बन रहे हैं तो 16 × 4 बन रहे हैं यानी कि 64। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला क्या होता है एन क्यूब, एन की वैल्यू कितनी थी 4, 4 का क्यूब करोगे कितना मिल जाएगा 64, यानी कि यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 64 यानी कि 64। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में और कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पे सीखा टोटल नंबर ऑफ कट्स निकालना और कुल घनों की संख्या निकालना। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चन पे। तो यहां पे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिया गया है। बात करें अगर हम क्वेश्चन की तो यहां पे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोगों को ड्रॉ करना है सीखने के लिए, और यहाँ पे बोला है ऑल द फेसेस ऑफ लार्जर क्यूब आर कलर्ड रेड, यानी कि यहाँ पे इस बार बात किसकी करी जा रही है, एक घन को यानी कि बड़े घन को क्या किया गया है लाल रंग से रंग दिया गया है, और रंगने के बाद क्या किया जा रहा है उसे छोटे घनों में परिवर्तित किया जा रहा है। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें घन की, लार्ज क्यूब ऑफ ठीक है, अगर हम बात करें 27 घनों में, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है किसके 27 छोटे घनों में परिवर्तित किया गया, तो हमें पता है छोटे घनों की संख्या कैसे मिलती है हमें एन का क्यूब करके, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे, और क्यूब रूट लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एन की 3, यानी कि 3:3:3 का क्या होगा एक छोटा यानी कि एक बड़ा घन था और उसको हमने क्या किया छोटे घनों में परिवर्तित किया। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है, अब हम बात करेंगे पूछे गए प्रश्नों की या फिर यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे ओनली वन सरफेस
कलर्ड क्यूब्स, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, फिर हम लोग बात करेंगे ओनली थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, फिर हम लोग बात करेंगे कलरलेस क्यूब्स की, यानी कि रंगहीन घनों की संख्या की। तो देखिए हिंदी में भी आप लोग यहां पे नोट कर लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केवल एक सतह रंगीन वाले घन, यानी किसकी बात करेंगे, केवल एक सतह रंगीन काफी बच्चों को शिकायत है कि सर केवल इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं इसके बीच में, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं, केवल दो सतह रंगीन, फिर हम बात करें तो केवल तीन सतह रंगीन, और एट लास्ट हम बात करें तो रंगहीन घनों की संख्या, क्लियर। चलिए हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया, तो अभी किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो हम उन छोटे घनों की बात करेंगे जिन्हें काटने के बाद उनके सतह केवल क्या होगा, एक ही सतह पे रंगीन आपका, यानी कि लाल रंग आपको दिखाई देगा, एक ही सतह क्या होगी, रंगीन होगी। तो ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो जब हमने बात किया ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह क्या है, रंगीन है, तो ध्यान दीजिए ऐसे घन आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घन आपके पाए जाते हैं सतह के सेंटर पे, सतह के कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र पर पाए जाते हैं, सेंटर पर पाए जाते हैं, या सतह के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सतह के सेंटर पे वह घन मिलेंगे, यानी कि इस घन को अगर मैं क्या करूं, काट करके निकालूं, इसको अगर मैं काट करके निकालता हूं यहां से, तो इसका क्या होगा, केवल और केवल एक सतह ही कैसा दिखाई देगा हमें, केवल और केवल एक सतह में लाल रंग का दिखाई देगा। बाकी के सरफेस की अगर मैं बात करूं तो बाकी के सरफेस इसके क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं यहां पे इस वाले घन की, इसको अगर मैं काट करके निकालूं तो इसका केवल और केवल ऊपरी सतह क्या होगा, लाल रंग का होगा, बाकी पार्ट आपको कलरलेस दिखाई देगा। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं इस वाले हिस्से की, तो अगर इसको हम यहां से काट के निकालेंगे तो इसके केवल और केवल एक सतह पे क्या होगा, लाल रंग होगा, बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो ऐसे घन कहां पाए जाते हैं, तो ऐसे घन पाए जाते हैं सतहों के सेंटर पे। अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, तो एक सतह पे यहाँ पे आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो आप कहेंगे एक सतह पे हमें मिल रहे हैं एक घन। तो एक सतह पे अगर एक ऐसा घन मिल रहा है तो सतह कितनी होती है, सबसे पहले मैंने आपको ये नोट कराया था, तो सरफेसेस होते हैं अपने पास छह, सतह होती है अपने पास छह। तो एक सतह पे अगर एक ऐसा घन मिल रहा है तो छह सतहों पे कितने मिल जाएंगे, छह ऐसे घन मिल जाएंगे। यानी कि हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की, तो ऐसे घन क्या होते हैं, एन माइनस टू, और सरफेसेस कितने, सिक्स। तो यानी कि n माइनस टू का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ऐसे घनों की संख्या क्या होता है, n माइनस टू का स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई थी हमें, तीन, और तीन में से दो घटाओगे तो एक हो जाएगा, और एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो कितना हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक।
सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप ही लोग करोगे, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे ऐसे घनों की संख्या की जिनके केवल और केवल क्या होती है, दो सतहें रंगीन होती है, यानी कि ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की हम बात करेंगे। क्लियर। जब हम बात करेंगे केवल दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसे घन हमें कहां पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे घनों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे घन हमें किनारे पे देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे घन कहां देखने को मिलते हैं, ऐसे घन हमें किनारे पे देखने को मिलते हैं, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्यूब को अगर मैं काट करके यहां से क्या करूं, निकालूं, तो इसके हमें केवल और केवल दो सतह पे क्या रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा। केवल और केवल दो सतह पे हमें क्या दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा। इन द सेम वे यहां पे भी हमें केवल दो सतह पे लाल रंग दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, तो यहां पे भी हमें केवल और केवल दो सतह पे कैसा रंग दिखाई देगा, तो लाल रंग दिखाई देगा। तो ऐसे क्यूब कहां पाए जाते हैं, तो ऐसे क्यूब पाए जाते हैं किनारों पर। और किनारों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं 12। किनारे होते हैं कितने, 12। और एक किनारे पे कितने ऐसे क्यूब पाए जाते हैं, तो एक किनारे पे हमेशा आपको n-2 ऐसे क्यूब दिखाई देंगे जिनकी दो सतहें क्या होंगी, रंगीन होंगी, जब पूरे के पूरे घन को एक ही रंग से रंग दिया जाएगा तब। क्लियर। चलिए तो क्लियर हो गया कि जब हम बात करेंगे ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो कितना हो जाएगा n-2, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 12 से कर दोगे। क्यों, क्योंकि किनारे कितने होते हैं, 12। कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली थ्री सरफेसेस कलर्ड क्यूब्स की जिनकी तीनों सतहें क्या हो, रंगीन हो। तो अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की, तो ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घन पाए जाते हैं कोनों पर। यानी कि इस वाले क्यूब को अगर मैं यहां से काट के निकालूं, इस वाले क्यूब को अगर मैं यहां से काट के निकालूं, तो आप क्लियरली देखेंगे कि इसके क्या होंगे, तीन के तीनों सतहों पर आपको लाल रंग दिखाई देगा। यानी कि इसके तीनों सतहों पे आपको कैसा रंग दिखाई देगा, तो तीनों सतहों पे आपको लाल रंग दिखाई देगा। ऐसे क्यूब्स कहां पाए जाते हैं, तो ऐसे क्यूब्स आपको कॉर्नर्स पे देखने को मिलेंगे। ऐसे क्यूब्स कहां मिलेंगे, तो ऐसे क्यूब्स आपको कॉर्नर्स पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें कॉर्नर्स की संख्या की, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉर्नर्स की संख्या की, तो कोने कितने होते हैं, तो कोने होते हैं आपके 8। तो अगर इस वाले क्यूब को आप निकालोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले क्यूब की तीनों सतहें आपको लाल रंग से रंगी हुई दिखाई देंगी। और ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घन पाए जाते हैं कोनों पर। कोनों की संख्या कितनी होती है, तो कोनों की संख्या होती है 8। यानी कि जब कभी भी आपसे पूछेगा, तीनों सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की, जिसको आपको डायरेक्टली ही लिख देना है कितना, 8, इसकी संख्या हमेशा कितनी होगी, 8। यानी कि तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कलरलेस क्यूब्स की, यानी कि दो सरफेस कलर वाले क्यूब्स कितने हो गए थे, 12, तीन सरफेस वाले कितने हो गए थे, 8। अब हम बात कर लेंगे कलरलेस क्यूब्स की। तो कलरलेस अगर हम क्यूब्स की बात करें, तो देखिए टोटल यहाँ पे हमारे पास क्यूब्स कितने थे, टोटल थे हमारे पास 27 क्यूब्स। 27 में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा ओनली वन सरफेस यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, एक, ध्यान दीजिए सरफेस होती है 6, सरफेस होती है 6, तो 1 × क्या कर देना था अपने को, 6 कर देना था। सरफेस अपने पास कितने होती, 6, यानी कि एक सतह पे 1 मिल रहा था, तो 6 सरफेस पे कितना मिल जाएगा, 6, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कलरलेस क्यूब्स की, तो टोटल अपने पास क्यूब्स कितने थे, 27। 6 ऐसे घन मिल गए जिनकी केवल और केवल एक सतह क्या थी, रंगीन थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो 12 ऐसे क्यूब मिल गए जिनकी केवल और केवल दो सतह क्या थी, रंगीन थी। और अगर मैं बात करूं 8 ऐसे क्यूब मिल गए जिनकी केवल और केवल तीन सतह क्या थी,
रंगीन थी, यानी कि अगर हम इन सब को टोटल में से घटा दें तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कोई भी सरफेस कलर नहीं होगी। यानी कि हम बात करें 12, 6, 18 और 8, 26, यानी कि इसमें से जब आप 26 घटाओगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। यानी कि कलरलेस क्यूब्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि एक ऐसा घन होगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। क्लियर। चलिए, तो कलरलेस क्यूब्स को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कलरलेस क्यूब्स के लिए फॉर्मूला भी यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हो, क्या होता है, n-2 का क्यूब, और n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी तो n-2 करोगे तो 1, और 1 का क्यूब करोगे तो कितना जाएगा, 1 ही आपको मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, चलो कर लेते हैं इसी को डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पे आप लोगों को सभी को क्या करना है, जितने भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आप लोगों को उत्तर देना है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो आ जाते हैं डायरेक्ट एक नए ब्लैंक पेज पे। ठीक है, जितने भी मैं यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को क्या करना है, उसका उत्तर देना है। हमने क्या किया, एक 4:4:4 के बड़े घन को 1:1:1 के छोटे घनों में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। चलिए, हमने क्या किया, एक 4:4:4 के बड़े घन को छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैं प्रीवियस क्वेश्चन को, जैसे कि आपका 3:3:3 का क्या था, एक क्यूब था जिसको हमने क्या किया था, लाल रंग से रंग दिया था। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, 4:4:4 के एक बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया, और इसके बाद हमने क्या किया, इसको 1:1:1 के छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया। अभी आपको बताना है यहाँ पे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स, ठीक है। फिर आपको बताना है ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स, फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। फिर आपको बताना है ओनली थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब्स, और फिर आपको बताना है कलरलेस क्यूब्स। यानी कि हम बात करें केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, केवल दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, केवल तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या और रंगहीन घनों की संख्या, ये सारी बातें आपको बताना है इस पर्टिकुलर आकृति में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो ऐसे क्यूब कहाँ पाए जाते हैं, आपके सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी कि सरफेस के सेंटर पे पाए जाते हैं। और ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया था आपको n-2 का स्क्वायर, यानी कि एक सतह पे कितने मिल रहे हैं, 4। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं एक सतह पे कितने मिल रहे हैं, 4। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सतह पे कितने मिल रहे हैं, 4। सतहें कितनी होती है, 6। सरफेस कितने होते हैं, 6। यानी कि 6 क्या कर देना था, n-2 का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी थी, 4। यानी कि एक सरफेस पे 4 मिल रहा है तो 6 सरफेस पे कितना मिल जाएगा, 24 ऐसे घन आपको मिल जाएंगे जिनकी क्या होगी, केवल एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओनली टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो ऐसे क्यूब कहाँ मिलते हैं, किनारों पर मिलते हैं। ऐसे क्यूब कहाँ मिलते हैं, किनारों पर मिलते हैं। एक किनारे पे कितने ऐसे घन मिल रहे हैं, तो एक किनारे पे 2 ऐसे घन मिल रहे हैं, और किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। और एक किनारे पे 2 ऐसे घन मिल रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, 12 × n-2 कर देना है। तो n-2 करोगे तो 2, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पे 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके केवल दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं केवल तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो ऐसे घनों की संख्या केवल और केवल कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, जब हम क्या किए हो,
पूरे के पूरे बड़े घन को हमने एक रंग से रंग दिया हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऐसे घनों की संख्या की तो कितनी हो जाएगी, आठ। ऐसे घन हमेशा कितने होते हैं, आठ। कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर। बात करें रंगहीन घनों की संख्या की, टोटल में से या तो सबको घटा दे या तो क्या कर देना था, n माइनस टू का क्यूब। n की वैल्यू कितनी थी, चार। चार में से दो घटाओगे कितना बचेगा, दो, और दो का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, आठ। ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ। क्लियर, बात समझ में आई। तो आई होप कि यहाँ पे अभी आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड हो गया है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये थी बेसिक बात आपके क्यूब से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, लेवल को थोड़ा सा अप करते हैं, थोड़ा सा एडवांस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। और इससे पहले कि मैं डिस्कशन करूं, आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं नोट करा के लिखा रहा हूं, सभी लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली एट मोस्ट। हिंदी की बात करें, केवल कम से कम और अधिकतम। क्लियर, क्या बताना है, फटाफट से आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेना है। यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले वन सरफेस, यानी कि एक सतह, चलिए। फिर हम बात करेंगे टू सरफेस, यानी कि दो सतह। फिर हम बात करेंगे थ्री सरफेस, यानी कि तीन सतह। क्लियर, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो हम लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो जब आपको बोलेगा केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बतानी है, तो आप केवल और केवल उन्हीं घनों की संख्या बताएंगे जिनके केवल एक सतह पे तो रंग होगा लेकिन बाकी की सतहों पे रंग नहीं होगा, यानी कि बाकी के सरफेसेस क्या होने चाहिए, रंगहीन होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिल रहा है केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो आप केवल और केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए, बाकी के सरफेस क्या होने चाहिए, कलर लेस होने चाहिए। उन्ही क्यूब्स की बात करेंगे, उन्ही घनों की बात करेंगे। फिर जब आपसे बोला जाएगा केवल दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो आप केवल और केवल ऐसे घनों की बात करेंगे जिनके केवल दो सतह पे क्या हो, रंग हो, बाकी के सरफेसेस क्या हो, कलर लेस हो, यानी कि रंगहीन हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केवल दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। और जब आपसे बोला जाएगा ओनली थ्री सरफेस कलर क्यूब्स की, तो यानी कि केवल और केवल ऐसे घनों की बात करेंगे जिनकी केवल तीन सतह पे रंग हो और बाकी के सरफेस क्या हो, कलर लेस। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं कम से कम या एटलीस्ट की। जब आपसे बोला जाएगा एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो ध्यान दीजिए यहां पे हम बात करेंगे एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या प्लस दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या प्लस तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। और अगर मैं बात करूं इसके शॉर्टकट की, तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, यहां पे कलरलेस क्यूब्स को माइनस कर देते, यानी कि क्या करते, टोटल माइनस कलरलेस, यानी कि कुल घनों की संख्या में से आप क्या कर देते, रंगहीन घनों की संख्या आप निकाल देते। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो एक सतह रंगीन होगी, या तो दो सतह रंगीन होगी, या तो तीन सतह क्या होगी, रंगीन होगी। चलिए, फिर जब आपसे बोला जाएगा एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जिनकी दो सतह रंगीन हो और किसकी, जिनकी तीन सतह रंगीन हो।
फिर हम बात करेंगे जब तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की, और आपसे बोला जाए कम से कम तीन सतह क्या होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, तो हम बात करेंगे केवल और केवल तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक की, तो आंसर क्या हो जाएगा, एट, यानी कि कॉर्नर क्यूब्स की हम बात करेंगे। कब? जब पूरे के पूरे बड़े घन को हमने एक रंग से रंगा हो, या पूरे के पूरे घन को हमने मल्टी कलर से भी रंगा हो, यानी कि कम से कम दो रंगों की बात करेगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा कलर, तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अधिकतम यानी कि एटमोस्ट। जब आपसे बोला जाएगा एटमोस्ट वन सरफेस कलर क्यूब्स की, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो प्लस वन, यानी कि हम बात करेंगे रंगहीन घनों की संख्या की प्लस एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की। फिर जब आपसे बोला जाएगा एटमोस्ट टू सरफेस कलर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे जीरो की, हम बात करेंगे एक की, और हम बात करेंगे किसकी, दो की। यानी कि अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करें, तो आपको क्या कर लेना था, यहाँ पे टोटल में से माइनस कर देना था कॉर्नर क्यूब्स या फिर एट, क्लियर, टोटल में से कॉर्नर क्यूब्स या फिर एट को आप घटा देंगे, तो यहाँ पे आपको निकल आएगा एटमोस्ट टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की संख्या। और जब बात करेगा एटमोस्ट थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब्स की संख्या की, तो हम बात करेंगे सभी घनों की, हम बात करेंगे सभी घनों की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपका अगला वाला क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल बनने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पूछे गए प्रश्न की। सभी लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों के पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही सही आए हैं। क्लियर, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो इंग्लिश में बच्चे क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं वो इसका अभी फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बार आपने क्या किया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ठीक ठाक ढंग से कर ली, तो आपको स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है एक घन की दो विपरीत सतहों को हरे रंग से रंगा गया तथा अन्य दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया तथा शेष को पीले रंग से रंगा गया। अब इसे 64 बराबर छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैंने बताया एन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे तो एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको छोटे घनों में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि किस सतह पे कौन सा रंग रंगा गया था। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कलर की, कि किस सरफेस पे हमें कौन सा कलर यहाँ पे कंसीडर करना है। तो किसी भी सरफेस पे आप कोई भी कलर कंसीडर करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात कर रहा है कि विपरीत सतहों को हरे रंग से रंगा गया, फिर दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया। अगर इसको हम मान लें रेड, चलिए इसको अगर हम मान लेते हैं रेड, तो बताओ दूसरा रेड कहाँ मिलेगा सरफेस, तो दूसरा रेड सरफेस हमें मिलेगा नीचे। इसको यदि मैं मान लूं यहाँ पे ग्रीन, तो दूसरा ग्रीन कहाँ मिलेगा हमें, पीछे, यानी कि दूसरा हरे रंग का सरफेस कहाँ मिलेगा, पीछे। और इसको अगर मैं मान लूं येलो, तो दूसरा येलो कहाँ मिलेगा, इधर, यानी कि पीला दूसरा कहाँ मिलेगा, इधर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे बात करें जिसकी केवल एक सतह का रंग लाल है, यानी कि हमें ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिनकी केवल एक सतह का रंग क्या है, लाल है। अगर हम बात करें यहाँ पे ओनली वन सरफेस कलर क्यूब्स की, तो शब्द यहाँ पे आपको मिल रहा है ओनली या फिर केवल। इट मीन्स हम केवल उन्हीं घनों की बात करेंगे जिनके एक सरफेस पे तो लाल रंग होगा, लेकिन बाकी के सरफेस क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम केवल एक सतह लाल वाले घनों की बात करेंगे तो ऐसे कितने सरफेस है जिनपे लाल रंग है, तो हमें पता है ऐसे दो सतह है जिनपे क्या है, लाल रंग से रंगा गया है, क्लियर। और एक सतह पे ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो एक सतह पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऐसे कितने घन है, तो एक सतह पे ऐसे आपको चार घन दिखाई दे रहे हैं जिनके क्या है, ओनली वन सरफेस रेड है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऐसे कुल घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह लाल है, तो एक सतह पे हमें मिल गए चार, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे भी हमें कितने मिल जाएंगे, चार। यानी कि ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ। यहां तक क्लियर, चलिए। ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ, जिनके केवल एक सतह पे क्या है, लाल रंग से रंगा गया है या लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगले अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो कम से कम एक सतह क्या हो, लाल हो। ध्यान दीजिए, कम से कम एक सतह क्या हो, लाल हो, यानी कि बाकी की सतह कोई भी रंग की हो सकती है, एटलीस्ट एक सरफेस क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की, तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे लेयर की बात करें तो इस लेयर में ऐसे हमें कितने घन मिल जाएंगे, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस लेयर में हमें ऐसे घन मिल जाएंगे 16। और इसी प्रकार हम बात करेंगे इस निचले वाले लेयर की, तो इस निचले वाले लेयर में भी हमें ऐसे कितने घन मिल जाएंगे, तो निचले वाले लेयर में भी हमें ऐसे घनों की संख्या मिल जाएगी 16। यानी कि 16 घन ऊपर के हम कंसिडर कर ले और 16 घन नीचे के कंसिडर कर ले, तो ये ऐसे घन होंगे जिनके कम से कम एक सरफेस पे तो लाल रंग आपको दिखाई देगा ही देगा। यानी कि अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की, तो बताओ कितने हो जाएंगे, तो ऐसे घन हो जाएंगे आपके 32, यानी कि 32। चलिए बात करें अगर हम यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा जा रहा है केवल एक सतह क्या हो, रंगीन हो। इस बार कलर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एक सतह पे ऐसे कितने घन मिल रहे हैं, तो एक सतह पे मिल रहे हैं चार, टोटल कितने सरफेस होते हैं छह, तो यानी कि यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 24। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कम से कम दो सतह क्या हो, रंगीन हो। यानी कि कम से कम दो सतह रंगीन हो और तीन भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यानी कि कम से कम दो सतह रंगीन हो, यानी कि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एटलीस्ट टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे 2+3 की। तो टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे कितने क्यूब है जिनकी दो सतह रंगीन है, तो ऐसे क्यूब सबसे पहली चीज तो कहाँ पाए जाते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं, रंग स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ऐसे क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाएगी, n-2 का मल्टीप्लाई करोगे 12 से, यानी कि हो जाएंगे कितने, 24। लेकिन शब्द की अगर हम बात करें तो लिखा गया है कम से कम, तो यहाँ पे 24 तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, प्लस आठ ऐसे घनों को भी हम कंसिडर करेंगे जिनके तीन सतह क्या है, रंगीन है, क्योंकि कम से कम बोला गया है, यानी कि दो वाले को भी कंसीडर करना है और तीन वाले को भी कंसीडर करना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला केवल दो सतह रंगीन है, तो केवल दो सतह रंगीन, तो इसमें से हम तीन वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इस बार, 24। नेक्स्ट वन आपको बोला गया अधिकतम दो सतहें क्या हो, रंगीन हो, यानी कि एटमोस्ट टू सरफेस कलर्ड क्यूब्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जीरो वाले को भी कंसीडर करना है, एक वाले को भी करना है और दो वाले को भी करना है, क्लियर। तो यानी कि सिंपली हम क्या कर दें, यहाँ पे केवल और केवल तीन सरफेस कलर्ड क्यूब्स को माइनस कर दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमारे पास यहाँ पे कितने, 64। हमें पता है ओनली थ्री सरफेस कलर्ड क्यूब्स कितने हो जाएंगे, आठ, यानी कि 64 में से अगर हम आठ को माइनस कर दें तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 56। चलिए अब आपको बोला गया केवल दो सतहें क्या हो, पीले रंग की हो।
तो केवल दो सतह पीले रंग की हो तो एक तो हमको येलो इधर दिखाई दे रहा है, एक येलो इधर दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों अगर हम सर्फेसेस की बात करें तो इनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कि दो सतहें क्या हो पीले रंग की हो। यानी कि ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो ऐसे घन कितने हो जाएंगे, जीरो। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है केवल दो सतहें क्या हो समान रंग की हो, तो ऐसे घनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर। अब सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों के पूरे पूछे गए प्रश्न के आंसर क्या आए, सही सही आए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लेवल को और बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो इस बार क्या बोला गया है, टू अपोजिट सरफेस ऑफ अ क्यूब वर पेंटेड ग्रीन, अनदर टू अपोजिट सरफेस वर पेंटेड रेड एंड रिमेनिंग टू वर पेंटेड येलो। अच्छा, ये तो सेम आपका हो गया उसी क्वेश्चन का इंग्लिश। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार घनों की संख्या कितनी है, 125। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक दो तीन चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे बोला गया है दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया, यानी कि टू एडजेसेंट सर्फेसेस आर कलर्ड विद रेड कलर। ठीक है ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट सर्फेसेस की, यानी कि संलग्न सतहों की या फिर निकटवर्ती सतहों की हम बात कर रहे हैं। दो निकटवर्ती सतहों को रंगा गया है लाल रंग से, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला हो गया रेड और ये वाला हो गया रेड। इसके बाद आपको बोला जा रहा है अन्य दो निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से रंगा गया है, तो हम मान लेते हैं ये हो गया ब्लू और इसके पीछे वाले सरफेस को हम मान लेते हैं ब्लू। और लास्ट वन आपको बोला गया है तथा शेष दो को क्या किया गया, हरे रंग से रंगा गया है, तो हम नीचे वाले को मान लेते हैं क्या, ग्रीन, और साइड वाले को मान लेते हैं ग्रीन। क्लियर। कहीं भी कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, केवल हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया कम से कम दो सतहें क्या है रंगीन है, तो ऐसे घनों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कम से कम दो सतहें रंगीन है, तो यानी कि हम बात करेंगे किसकी, 2+3 की। और यहाँ पे कलर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की। तो आपको पता है कि ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, किनारों पर। किनारे कितने होते हैं, 12। एक किनारे पे कितने मिल रहे हैं, 3, यानी कि 12 किनारों पर कितने मिल जाएंगे, 36, यानी कि 36। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स को भी हमें कंसीडर करना है, यानी कि 3 सतह रंगीन वाले घनों को भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। और मैंने आपको बताया कि ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घन पाए जाते हैं
कोनों पर, और कोने कितने होते हैं, तो कोने होते हैं आठ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, 36 + 8 यानी कि 44, 44। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अधिकतम एक सतह का रंग क्या हो, नीला हो। एटमोस्ट एक सरफेस का कलर क्या हो, ब्लू हो, बाकी कोई भी कलर का सरफेस हो चलेगा, लेकिन दो सतह नीला, तीन सतह नीला नहीं चलेगा। तो ऐसे घनों की संख्या, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, और आपकी कल्पना से परे होने वाला है यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर। देखते हैं कितने लोगों के उत्तर सही आए, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, यानी कि लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अधिकतम एक सतह का रंग क्या है, नीला है, ऐसे कितने क्यूब्स है। तो चाहे हम यहाँ पे अधिकतम एक सतह का रंग नीला की बात करें, चाहे हम अधिकतम एक सतह का रंग हरा की बात करें, चाहे हम अधिकतम एक सतह का रंग लाल की बात करें, आंसर हमारा वही आने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको अधिकतम एक सतह का रंग लाल है इस वाले क्यूब से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें अधिकतम एक सतह का रंग लाल है, ऐसे हमें घनों की संख्या बतानी है, तो अधिकतम बोला है यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जीरो वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, एक सतह का रंग लाल हो एक का नीला हो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, एक सतह का रंग लाल हो दूसरे का क्या हो हरा हो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दो सरफेस या कह सकते हैं कि एक से अधिक सरफेस लाल नहीं होना चाहिए। और अगर आप ध्यान दें तो ऐसे क्यूब्स आपको केवल और केवल यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि अगर हम इन घनों को यहाँ पे क्या कर दें, हटा दें, तो बाकी जितने भी घन होंगे सब के क्या होंगे, या तो जीरो सरफेस रेड होंगे या तो एक सरफेस रेड होंगे, लेकिन आपको एक से अधिक सरफेस रेड वाले कलर के क्यूब्स एक भी नहीं दिखाई देंगे। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे घनों की संख्या की, तो टोटल घन कितने थे बताओ, तो 125 थे, और केवल 5 ही ऐसे घन दिखाई दे रहे हैं जिनकी एक से ज्यादा सतहों पे क्या है, लाल रंग है। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे अगर नीले के लिए, तो नीले के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 120 कितने हो जाएंगे, 120। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न का उत्तर, देखते हैं कौन करता है और कितने लोगों का यहाँ उत्तर सही सही आ रहा है। चलिए दोनों एक साथ साफ हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो बोला है न्यूनतम एक सतह का रंग क्या हो, हरा हो। एटलीस्ट एक सरफेस का रंग क्या हो, ग्रीन हो। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे किसके लिए, रेड के लिए, कि एटलीस्ट एक सरफेस का कलर क्या हो, रेड हो। ऐसे कितने घन है, फटाफट से कमेंट करके आंसर करिएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ऐसे कितने घन है जिनका कम से कम एक सतह का रंग क्या हो, हरा हो। क्लियर। तो हम रेड के लिए यहाँ पे आंसर निकालते हुए चलेंगे, यानी कि आपका ग्रीन के लिए भी सेम कंडीशन बनेगी और ब्लू के लिए भी कंडीशन क्या बनेगी, सेम बनती हुई दिखाई देगी। तो जब हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का उत्तर आ गया होगा कि ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी 50। बहुत सारे लोगों का उत्तर आ गया होगा, लेकिन जितने भी लोगों का उत्तर 50 आया है, देखिए गलती कहाँ पे आप लोग करते हो, आप ले लेते हो 25 इधर 25 इधर, लेकिन जब आप क्या करोगे, इन 25 घनों को कंसिडर करोगे, तो बताओ अब नीचे कितने लेयर बचे, नीचे 4 ही लेयर बचे, यानी कि यहाँ पे अब घन आपके पास कितने बच गए, केवल और केवल 20। यानी कि ऐसे घनों की संख्या कितना हो जाएगा, n का डबल तो करोगे ही करोगे, यानी कि अगर हम बात करें, सॉरी n का डबल नहीं, यहाँ पे 25 का क्या करोगे, डबल तो करोगे ही करोगे, लेकिन माइनस क्या करोगे, 5, जो कि ये क्या थे आपके, ये कॉमन आपने कंसिडर कर लिए थे। क्लियर, आपने ये 5 क्या कर लिए थे, कॉमन भी कंसीडर कर लिए थे, यानी कि 50 में से क्या करना था आपको, 5 माइनस कर देना था। तो न्यूनतम एक सतह का रंग हरा के लिए भी उत्तर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 यानी कि 45। क्लियर।
ऊपर के 25 जब आप निकाल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे के यहाँ पे केवल और केवल आपके 20 क्यूब ही बचेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए क्वेश्चन की। चलो इसको रहने देते हैं कलर। अगले पूछे गए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोला है जिसकी अधिकतम एक सतह क्या हो, रंगीन हो। जिसकी अधिकतम एक सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एटमोस्ट वन सरफेस कलर क्यूब्स की बात करेंगे तो हमें पता है एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे होता है एन माइनस टू का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 6 से। तो एक सरफेस पे कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। और अधिकतम एक सतह रंगीन हो तो एक सरफेस पे मिल गए 6। तो सबसे पहले हम बात करें ओनली वन सरफेस कलर क्यूब्स की, तो एक सरफेस पे मिल गए कितने, 9। सरफेस कितने हैं, 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 54 क्यूब्स ऐसे हो जाएंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई दे रहा अधिकतम, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम किसको किसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम जीरो वाले को भी कंसीडर करेंगे, यानी कि 0+1। तो वन वाले का नंबर कितना मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया 54। वन वाले का नंबर मिल गया कितना, 54। और जीरो वाले की अगर हम बात करें तो n माइनस टू का क्यूब, n की वैल्यू है 5, तो 5 में से 2 घटाओगे 3, और 3 का क्यूब करोगे कितना, 27। तो 27+54 करोगे तो हो जाएगा कितना आपका, 81, यानी कि 81 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसकी अधिकतम एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की, जिसकी कम से कम एक सतह क्या हो, लाल हो। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी कम से कम एक सतह का रंग हरा है उसके लिए आंसर अगर 45 आया है तो इसके लिए आंसर भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने रेड वाले से ही कंसीडर करके इसको निकाला था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोला है जिसकी केवल 2 सतह हरे और लाल रंग से रंगी है, यानी कि केवल 2 सतह क्या है, लाल और हरे रंग से रंगी है। और शब्द यहाँ पे आया है आपका केवल, इट मीन्स तीसरी सरफेस क्या होनी चाहिए, कलरलेस। इट मीन्स तीसरी सरफेस क्या होनी चाहिए, कलरलेस। तो केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी ऐसे कितने घन है, तो ध्यान दीजिए एक मिल जाएगा इधर, एक मिल जाएगा इधर, एक मिल जाएगा इधर। यहाँ पे कितने मिल गए, 3। यहाँ पे मिल गया 1, 2, 3, क्योंकि नीचे में क्या है, ग्रीन है, और यहाँ फ्रंट पे क्या है, रेड है। यहाँ फ्रंट पे रेड है और साइड में क्या है, ग्रीन है। फिर यहाँ मिल जाएगा आपको 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे ऊपर में क्या है, रेड है, और साइड में क्या मिलेगा आपको, ग्रीन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा यहाँ पे क्यूब नहीं होगा जिसकी केवल एक सतह पे लाल रंग हो और केवल एक सतह पे हरा रंग हो। अब अगर हम बात करें इन क्यूब्स की, देखो यहाँ पे तो मिल जाएगा रेड, लेकिन नीचे भी मिल जाएगा ग्रीन और साइड में मिल जाएगा ग्रीन। और यहाँ शब्द आपको दिखाई दे रहा है केवल, इट मीन्स हम बात करेंगे केवल उन घनों की संख्या की जिनकी एक सतह पे लाल रंग हो, दूसरे पे हरा रंग हो, जबकि तीसरी क्या हो, कलर लेस, यानी कि रंगहीन। तो ऐसे घनों की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, यानी कि 9। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा है जिसकी कम से कम 2 सतह हरे और लाल रंग से रंगी गई। अच्छा यहाँ पे पूछा था जिसकी केवल 2 सतह लाल, अच्छा यहाँ पे शब्द है कम से कम, दोनों के बीच में फर्क है। देखिए यहाँ पे केवल 2 सतह बोला गया था, यहाँ पे कम से कम 2 बोला है। तो यहाँ पे देखिए कितने आपके क्यूब्स बढ़ जाएंगे, यानी कि एक तो ये बढ़ जाएगा, फिर एक ये वाला बढ़ जाएगा, और एक ये वाला बढ़ जाएगा। क्लियर, एक ये वाला बढ़ जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 क्यूब आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यानी कि इसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, 13। क्यों, क्योंकि एक सतह पे लाल एक सतह पे हरा मिल रहा है, बाकी की तीसरी चौथी सतह पे कौन सा रंग है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए 3, 3, 6, 3, 9, तो पहले ही मैंने आपको गिनवा दिए थे। 10वें की अगर बात करें तो ऊपर में लाल, साइड में क्या हो जाएगा हरा, और बैक में क्या हो जाएगा नीला। लेकिन एक पे लाल एक पे हरा मिल रहा है, डजेंट मैटर बाकी पे कौन सा रंग है। यहाँ पे बात करें एक पे लाल, दो पे लाल, और यहाँ साइड में हरा, यानी कि एक पे लाल है एटलीस्ट, बाकी दूसरी पे कौन सा रंग है फर्क नहीं पड़ता। कितने और जुड़ गए, 2। यहाँ पे बात करें एक पे लाल, नीचे में हरा, साइड में हरा,
यानी कि एक पे लाल एक पे हरा है, बाकी पे क्या है फर्क नहीं पड़ता, कितने जुड़ गए तीन। इसकी अगर मैं बात करूं तो बताओ एक पे लाल नीचे में हरा और साइड में नीला, एक पे लाल एक पे हरा चाहिए था, है मिल रहा है, यानी कि इसको भी हम कंसीडर करेंगे, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ में, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।